हाँ बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए धन्यवाद सर। सर हम लोग सर एसटीईटी 2019 में सर पास हुए हैं सर। और सर हम लोग की सर जीविका के लिए सर हम लोग मतलब भूखमरी की सर स्थिति है सर। सर हम लोग पर कुछ विचार किया जाए सर, इसके लिए सर बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर। आप लोग क्या पास किए हैं? एसटीईटी सर 2019 में जो आप लोग हाई स्कूल में सर जी परीक्षा के लिए सर उसी में सर क्वालिफाई किए हैं लोग सर। हम लोग सर भुखमरी की सर स्थिति हो गई है सर घर परिवार में। आप लोग अपॉइंटमेंट वेटिंग में है जी? जी सर, जी सर, सर मतलब सर आप उप मुख्यमंत्री हैं सर बिहार के सर। आपके सर सरकार में 19 लाख लोगों को सर रोजगार के लिए सर दिया गया था। सर बताने की जरूरत नहीं है, हम इसको देख लेंगे। जी सर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। जी सर, स्वागत है सर। हेलो, हाँ बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए धन्यवाद सर। सर हम लोग सर एसटीईटी 2019 में सर पास हुए हैं सर। और सर हम लोग की सर जीविका के लिए सर हम लोग मतलब भुखमरी की सर स्थिति है सर। सर हम लोग पर कुछ विचार किया जाए सर, इसके लिए सर बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर। आप लोग क्या पास किए हैं? एसटीईटी सर 2019 में जो आप लोग हाई स्कूल में सर जी परीक्षा के लिए सर उसी में सर क्वालिफाई किए हैं लोग सर। हम लोग सर भुखमरी की सर स्थिति हो गई है सर घर परिवार में। आप लोग अपॉइंटमेंट वेटिंग में है? जी जी सर, जी सर, सर मतलब सर आप उप मुख्यमंत्री हैं सर बिहार के सर। आपके सर सरकार में 19 लाख लोगों को सर रोजगार के लिए सर दिया गया था। सर बताने की जरूरत नहीं है, हम इसको देख लेंगे। जी सर, जी सर, नमस्ते सर। आ चुकी है अंतिम मोड़ इन द सेंस, अगर सब कुछ सामान्य परिस्थिति की तरह चलता रहे तो वो दिन दूर नहीं रहेगी कि जब हम लोग मतलब अपने सफलता को प्राप्त कर लेंगे और जिस चीज के लिए इतने दिन से संघर्ष में हम लोग हैं उस चीज को हम लोग मतलब सफलता पूर्वक प्राप्त करेंगे और हम लोगों को नियोजन हो पाएगा। साथियों जैसे कि बताना चाहता हूँ कि आप सभी के अथक प्रयास से ब्लाइंड फेडरेशन का जो केस था वो सॉल्व हो चुका है। अब ब्लाइंड फेडरेशन केस के सॉल्व होने के बाद जो है सो गवर्नमेंट जिस प्रकार से बोली थी कि हम नेक्स्ट डे शेड्यूल जारी करेंगे तो उस हिसाब से वो शेड्यूल जारी कर दिए हैं, उसमें हमें किसी प्रकार का शक नहीं है। ठीक है, उसे आप लोग भी अपने नजरों से देख ही रहे हैं। और हाँ ये बात है कि फुल शेड्यूल जहाँ जारी होनी चाहिए थी वहाँ बस आवेदन का शेड्यूल जारी किया हो गया है, उसके लिए हमारे अभ्यर्थी भी सशंकित हैं। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, सरकार का सारा प्रारूप तैयार है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो पूरा फुल शेड्यूल जारी नहीं कर पाई, ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है। साथियों जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, अभी तो कुछ ऐसा समस्या नहीं है, लेकिन कुछ बहाली फसाओ गैंग जो चंदा चोर गैंग जिसे आप कह सकते हैं उसके द्वारा इस बहाली पर एनसीटी के उस गजट पर केस किया गया है जो एनसीटी ने गजट पेश किया था जिसके हिसाब से 1 से 5 में बीएड के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। उस गजट पर उस एक्ट पर कुछ डीएलएड के जो चंदा चोर गैंग है उनके द्वारा जो है सो केस किया गया है जिसका एक सुनवाई हो चुका है और वो एनसीटी से जवाब मांगा है और उसका अगला सुनवाई 15 जुलाई को होने जा रहा है। हम चाहते नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा आए और इस बहाली को अवरुद्ध करें, क्योंकि अब हम लोग अंतिम पड़ाव में ये बहाली को लेकर आ चुके हैं। अब अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आती है तो हम लोग फिर इतने बड़े डिप्रेशन में अभ्यर्थी चले जाएंगे जो कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, और उसके लिए हम लोग सतत प्रयास है कि इस तरह का कोई समस्या जो है सो इस बहाली पर नहीं आए। उसके लिए
बीए एकता मंच के द्वारा इंटरवेन किया जा रहा है। मैं इंटरवेंशन के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। इंटरवेंशन वो चीज होता है जिसके माध्यम से किसी भी केस में सरकार का जो भी पक्ष रहता है उसके समर्थन में वकील खड़ा करके हम लोग अपना पक्ष रखते हैं कि ऐसा है कि देखिए, क्योंकि सरकारी वकील का क्या मोटिव रहा है, सरकारी वकील कितना तैयारी करके जाते हैं, इस सब के बारे में आपको पता ही होगा। देखिए केस, इस ये केस तो पहले भी एक बार सुने थे। नहीं मैडम, ये केस जो है वो केस हुआ था प्राथमिकता संबंधित, कि डीएलएड को प्राथमिकता मिलना चाहिए, तो वो संबंधित केस को खारिज कर दिया गया, जिसके अगेंस्ट में वो डीएलएड के जो ऐसे साथी हैं जो नहीं चाहते हैं कि बहाली हो, वो डबल बेंच में अपील किए हैं। वो अभी जज का तस भरा हुआ है, उसका अभी सुनवाई होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन ये जो केस किया गया है वो सीकेट, तो ये एनसीटी जो रूल बनाई है उसके गजट पे केस कर दिया गया है, तो वो जो है उस पर केस कर दिया गया है, जिसके कारण जो है सो हमें बहुत हम लोगों को इस चीज का भय सता रहा है कि बहाली जब अपने अंतिम अवस्था में, अंतिम मोड में आ चुकी है, तो 15 जुलाई तक, ये तो नहीं है कि 15 जुलाई तक हमारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि 15 जुलाई तक जो बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है, ये तो फिक्स है, तो 15 जुलाई का उसका सुनवाई हो, कहीं ये ना कह दे उसके तरफ से ये ना मांग किया कर लिया जाए कि सर बहाली अंतिम परिस्थिति में है, हमें जो है सो इसमें किसी प्रकार का स्टे दे दीजिए, चूंकि हम लोगों का भी इसका सुनवाई, तो उसके कारण में बीएड एकता मंच के हरिराम जी के द्वारा इसमें इंटरवेन करके अपना वकील अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए रखा जा रहा है। और जो उसका कुछ ऐसे प्रूफ है जो हम लोग उसमें प्रस्तुत करेंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये केस खारिज हो जाएगा। तो इसलिए उस इंटरवेंशन करने के लिए अच्छा वकील को खड़ा करें, उसके लिए आप लोगों से मैं निम्न निवेदन करूंगा कि आप लोग प्लीज सहयोग, आर्थिक सहयोग करें, एक बार आप लोग अंतिम आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है, इसमें कहीं चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितना प्रयत्नशील है इसके लिए, ये आप लोगों को बता, आप लोग भी देखते होंगे, और ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है, तो हमारे कोर टीम की तरफ से पूरा समर्थन है हरिराम जी को, और हम चाहते हैं कि हरिराम जी पूरी मुस्तैदी से इस लड़ाई को लड़े, और जो भी प्रूफ, जो भी चीज की, जो भी बातों की संबंधित हमें जानकारी रहेगी, मैं उनको देने का भी काम करूंगा। बस मैं यही चीज कह चाहूंगा कि उनका जो अकाउंट नंबर जारी हुआ है बीएड एकता मंच का, वो उस अकाउंट नंबर पे आप लोग प्लीज 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 सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें। आप लोग एक बार अकाउंट नंबर को देख लें, अकाउंट नंबर का जानकारी आप लोग देख लें कि अकाउंट नंबर क्या है, इसे नोट कर लें। आप लोग देखिए काउंसलिंग का शेड्यूल और कोई भी चीज जारी होने से पहले ये नहीं है, ये हम समझते हैं कि सरकार भी तत्पर है, लेकिन